हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में अभी थोड़ी देर पहले बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजर के पीटी के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है क्या कह सकते हैं संशोधित किया गया है अगर आयोग के लैंग्वेज में बोलें क्योंकि इस पर जो केस हुआ था जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम पे केस चल रहा था और अब क्लियर हो गया कि वो क्या केस था इस केस में लोहार जाति में को एसटी की कैटेगरी में शायद रखा था बीपीएससी ने तो उसी को चैलेंज किया गया और अब ईबीसी के कैटेगरी में डाल के फिर से नया रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा तो जैसा कि इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि 24 एक 2022 को जो प्रकाशित प्रारंभिक परीक्षा फल था उसको नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि कैटेगरी वाइज अब स्टूडेंट्स जो ई में आए होंगे इसके कारण से कैटेगरी के, के कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा तो ओवरऑल सिलेक्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा हो सकता है कुछ लोग जो पास हो गए होंगे वो फेल भी हो जाए बट आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए रिजल्ट ही एक्सटेंड कर देना चाहिए जो पास हो गए उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको पास में ही रखा जाए लेकिन जैसा कि इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि नए सिरे से रिजल्ट को निकाला जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या रिजल्ट आने वाला है तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो विवादों में था क्योंकि इसका रिजल्ट इतने लेट से आया उसके बाद इसके मेंस के एग्जाम के लिए भी मैंने आपको अलग से बोला था कि आप आयोग कॉल कीजिए और उसके परिणाम स्वरूप आयोग ने अक्टूबर की डेट भी निकाली थी अगर आपने देखा होगा कैलेंडर में अक्टूबर प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट था लेकिन अब प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट कुछ नहीं होगा पहले पी का रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर मेन्स का अलग से फॉर्म भरा जाएगा तो इतनी लंबी प्रक्रिया होने के बाद फिर से अब ये एक तरह से फंस गया है क्योंकि एक बार पीटी का रिजल्ट आएगा अब जिनका नहीं हुआ होगा वो चले जाएंगे केस करने के लिए तो अभी इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है और जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अपनी जो भी तैयारी दूसरे एग्जाम के लिए उस पर ही फोकस करिए क्योंकि ये एग्जाम क्या पता किसी दिन ये पूरी की पूरी वैकेंसी आयोग निरस्त कर दे कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब रिजल्ट फिर से आएगा तो अब पता नहीं क्या होगा लेकिन होप फॉर द बेस्ट इसलिए आप जो भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस करो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को साइड में रखो ऐसे भी इसमें 69 सीट है अब कैटेगरी वाइज के, के हिसाब से फिर से सीट्स में ऊपर नीचे ईबीसी और एसटी का इस पर असर पड़ेगा क्योंकि इसी दो कैटेगरी के, के बारे में इसमें कहा भी गया और जजमेंट में भी शायद इसी दो कैटेगरी पर चर्चा होगी तो कट ऑफ मोस्टली इस दो कैटेगरी का इफेक्ट हो सकता है अब आयोग पूरा का पूरा रिजल्ट भी चेंज कर सकता है क्योंकि नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है क्लियर लिखा है आयोग ने इस नोटिस में इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी तो जो भी रिजल्ट था पहले का उसको तत्काल से निरस्त कर दिया गया है अब नया रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से मेंस के लिए फॉर्म भराया जाएगा तो बीपीएससी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच